मैं गलत नहीं, कुछ ने यूं ही सोच लिया। असली शार्क से थी रेस फेल्प्स। 23 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने वाले विश्व के महान तैराक माइकल फेल्प्स इन दिनों आलोचनाओं के घेरे में हैं। अपनी करिश्माई तरीकी से फैंस के दिलों पर राज करने वाले फेल्प्स एक नकली शार्क से रेस लगाने के चलते सुर्खियों में हैं। हालांकि फेल्प्स ने इन आलोचनाओं का जवाब देते हुए कहा है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। कुछ लोगों ने यूं ही सोच लिया कि मैं टीवी पर असली शार्क से रेस लगाने जा रहा हूं। डिस्कवरी चैनल की ओर से यह पहले ही स्पष्ट कर दिया गया था कि यह किस तरह की रेस है, यानी एक तरह से सबको पता होना चाहिए था कि यह एक नकली शार्क है। दरअसल शार्क वीक पर डिस्कवरी चैनल ने पिछले रविवार को विशेष शो दिखाया, जिसमें महान तैराक माइकल फेल्प्स और शार्क के बीच रोमांचक रेस देखने को मिला। लेकिन बहामास के गर्म समुद्र के पानी में 100 मीटर स्विमिंग रेस में अमेरिकी सितारे फेल्प्स हार जाते हैं। वह शार्क उन्हें 2 सेंकड़ के अंतर से हरा देती है। लेकिन शो के दौरान टीवी पर लोगों ने जिस शार्क को देखा वे हसली नहीं थी। यह शार्क कंप्यूटर द्वारा विकसित की गई थी। रेस की सच्चाई का पता चलने पर ट्विटर पर लोगों ने जमकर अपनी भड़ास निकाली। इससे पहले भी ऐसा कई इवेंट देखने को मिले जब इंसानों ने जंगली जानवरों को चुनौती दी। 2011 की बात है जब रोम में 100 मीटर फ्रीस्टाइल के पूर्व वर्ल्ड चैंपियन इटली के फिलिपो मैग्नेनी ने 2 डॉल्फिन से रेस लगाई, लेकिन डॉल्फिन के सामने फिलिपो पूल का एक हिस्सा ही तैर पाए। एक रोचक मामला अमेरिकी धावक जेसी ओवंस का है। इस मशहूर अमेरिकी धावक ने 1936 के बर्लिन ओलंपिक में हिटलर के सामने 1 नहीं 4 गोल्ड मेडल हासिल किए थे। लेकिन खराब दौर से गुजर रहे ओवंस को पैसे कमाने के लिए घोड़ों से रेस लगानी पड़ी, लेकिन हर बार उन्हें सफलता नहीं मिली। 2009 में अमरीकी नेशनल फुटबॉल लीग के खिलाड़ी डेनिस नॉर्थकट ने एक टीवी शो के दौरान शुतुरमुर्ग को रेस में हरा दिया था। हालांकि दूसरे रेस में शुतुरमुर्ग ने बाजी मारी। रबी के सबसे तेज प्लेयर्स में शुमार दक्षिण अफ्रीका के ब्रायन हबाना ने 2007 में एक स्पॉन्सर्ड इवेंट के दौरान दुनिया के सबसे तेज जानवर चीता को चुनौती दी। हबाना को 100 मीटर पूरा करने में 10-4 सेकंड लग गए और चीता ने रेस जीत ली।